नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए और शानदार वीडियो में। देखिए, अगर आप चाह रहे हैं अजमेर रोड पे एक शानदार सा अपार्टमेंट लेना जो कि 4 BHK हो, फुली फर्निश फर्निश्ड हो और कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला हो, तो मेन अजमेर रोड पे मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ ये शानदार सा खूबसूरत सा बना हुआ अपार्टमेंट। एक बार मैं यहाँ पे बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन आपको दिखा देता हूँ, नीचे की तरफ का टूर करवा देता हूँ, उसके बाद मैं लाऊंगा और आपको कम्प्लीट ही इसका पूरा ही टूर आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ कि कैसे क्या कुछ ये 4 BHK होने वाला है। इसमें 3 और 4 BHK 2 यूनिट होने वाली है, तो डायरेक्टली एक बार चलते नीचे की तरफ, वहां चल के एक बार कर लेते हैं नीचे की तरफ का ट्यूर, फिर आएंगे दोबारा दिखाएंगे आपको यहाँ पे कि कैसा क्या कुछ अपार्टमेंट यहाँ पे बनाई कितने आपको मिलने वाला है। देखिए, कुछ इस तरीके से शानदार सा फ्रंट एलिवेशन आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। और जैसे मैंने बताया, मेन अजमेर रोड जो है मात्र, देखिए आप बिल्कुल एकदम पास में वॉकिंग डिस्टेंस पे मेन अजमेर रोड आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। और इस तरफ देखते हैं तो शानदार से देखिए आप व्यू, यहाँ गेटेड कॉलोनी आप यहाँ देख सकते हैं। और इसमें नीचे की तरफ कोई भी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं किया गया है, कुछ एंट्रेंस इस तरीके से आपके कार पार्किंग के एंट्रेंस यहाँ पे होने वाली है। और नीचे आप देखेंगे तो सिंपली आपके कार पार्किंग के हिसाब से यहाँ पे स्पेस दिया गया है। तो जैसे मैंने बताया, टोटल 12 यूनिट यहाँ पे होने वाली है, तो उस हिसाब से कार पार्किंग का काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है, आपकी गाड़ियाँ जो है ईजिली आप यहाँ पे पार्क कर पाएंगे। इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे देखिए स्टेयर्स और लिफ्ट का प्रोविजन कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। लिफ्ट का प्रोविजन आपको यहाँ पे मिल जाता है और स्टेयर्स आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना के दी गई है। अब चलते हैं डायरेक्ट अपार्टमेंट में, वहाँ चल के करते हैं, देखते हैं ट्यूर कैसे क्या कुछ अपार्टमेंट यहाँ पे आपको दिखाई देने वाला है। फ्रेंड्स, अब कर लेते हैं कम्प्लीट इसका ट्यूर। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए एंट्रेंस करते ही आपको यहाँ पे शानदार सा एक ड्रॉइंग एरिया का स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप देखेंगे देखिए ज़बरदस्त डिज़ाइन, शानदार तरीके से आपको यहाँ पे सोफ़ा, जो कि आप ना करते करते आराम से 7 to 8 सीटर सोफ़ा यहाँ पे आप अरेंज कर पाएंगे। देखिए, बात करें टेबल की तो वो भी काफ़ी खूबसूरत टेबल आपको यहाँ पे मिल जाती है। इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको साइड में भी टेबल्स आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है, उस तरफ भी आपको टेबल मिल जाती है। और प्यारी प्यारी सी सीनरी जो कि आपके यहाँ पे ड्राइंग एरिया की स्पेस की खूबसूरती काफ़ी इम्प्रूव करने वाली है। अब ड्राइंग एरिया के स्पेस के बिल्कुल सामने की तरफ देखते हैं तो इस तरफ आपका आ जाता है टीवी पैनल का स्पेस। देखिए, टीवी पैनल का स्पेस भी काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बड़ा स्पेसियस यहाँ पे बनाया गया है, बड़े से बड़ा टीवी आप इजीली यहाँ पे इंस्टॉल कर पाएंगे, काफ़ी खूबसूरत चीज़ ये होने वाली है। यहाँ पे अगर फॉल सीलिंग के डिज़ाइन की बात करें तो फॉल सीलिंग के डिज़ाइन भी आप देखेंगे काफ़ी यूनिक और काफ़ी प्यारी फॉल सीलिंग के डिज़ाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। अब इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आ जाता है आपका किचन का स्पेस। किचन देखते हैं तो किचन फुली मॉड्यूलर किचन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, टैंडम किचन यहाँ पे तैयार किया गया है। कॉम्बिनेशन आप देखेंगे किचन का तो कुछ इस तरीके से शानदार सा कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यू शेप में किचन दिया गया है और काफी स्पेसियस, काफी बड़ा स्पेस किचन का यहाँ पे बनाया गया है। आप जैसे देखेंगे यहाँ पे तो जैसे ये रैंडम किचन यहाँ पे बना के दी गई है, इस तरफ भी देखेंगे देखिए कुछ इस तरीके से आपको किचन का स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको फल फ्रूट्स के हिसाब से एक अलग स्पेस और बर्तन के हिसाब से एक अलग स्पेस आपको यहाँ पे बना के दिया गया है। किचन के ठीक सामने देखेंगे यहाँ पे तो यह आ जाता है देखिए डाइनिंग का स्पेस, तो इजीली आप अपनी 6 सीटर तक की डाइनिंग यहाँ पे लगा सकते हैं। इस तरफ सीनरी वगैरह लगाने के लिए काफ़ी अच्छा एक स्पेस आपको यहाँ पे निकाल के दिया गया है। जैसे वॉल क्लॉक भी देखेंगे, काफ़ी खूबसूरत वॉल क्लॉक आपको यहाँ पे मिलती है। अगेन फॉल सीलिंग की डिज़ाइन देखिए, काफ़ी खूबसूरत फॉल सीलिंग की डिज़ाइन आपको यहाँ पे भी मिलने वाली है। अब देखते हैं बेडरूम्स, यह आ जाता है देखिए एक बेडरूम। बेडरूम की अगर मैं साइज़ की बात करूं तो आराम से लगभग 12x14 के आसपास की साइज़ आपको बेडरूम के यहाँ पे मिल जाती है। बेडरूम की डिज़ाइन देखिए काफ़ी खूबसूरत बेडरूम की डिज़ाइन। इस तरफ देखते हैं तो लोअर्स की डिज़ाइन और लैम्प्स वगैरह काफ़ी ब्यूटीफुल लैम्प्स आपको यहाँ पे लगा के दिए गए। फॉल सीलिंग की डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत फॉल सीलिंग की डिज़ाइन है। और ठीक सामने देखते हैं तो यहाँ पर टीवी पैनल का स्पेस और यह आ जाता है देखिए कवर्स का स्पेस। इसमें लोअर्स की डिज़ाइन आप देखेंगे काफ़ी अच्छी डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, पूरी कंप्लीट इस वॉल पे आपको यहाँ पे लोअर्स की डिज़ाइन मिल जाती है। अब बढ़ते आगे की तरफ देखिए, दोनों तरफ जो है साइड टेबल्स आपको मिलती है। इस तरफ साइड टेबल्स के साथ साथ यहाँ पे बॉक्सेस भी दिए गए हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा सामान कुछ रखना चाहें आप आर्टिफिशियल वगैरह तो आप रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए किचन का स्पेस, सॉरी वॉशरूम का स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है। वॉशरूम काफ़ी स्पेसियस होने वाला है, वेस्टर्न सीट वॉल माउंट के साथ आपको मिल जाती है। टाइल्स का वर्क काफ़ी अच्छा, हाइट तक टाइल्स का वर्क किया गया पूरी, तो सीलन पपड़ी कोई शिकायत आपको नहीं आने वाली है। और स्पेसियस वॉशरूम जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको बना के दिया गया है। अब बात करते हैं इस रूम में बालकनी की, तो यह आ जाता है देखिए इस रूम में बालकनी का स्पेस।
जो कि मैं दिखाऊंगा आपको उस वाले रूम में, और इस वाले रूम दोनों से ये बालकनी का आपको एक्सेस आपको मिल जाता है। अजमेर रोड जैसे मैंने बताया, ये मात्र आपको 20 मीटर दूरी पे अजमेर रोड आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब बढ़ते हैं आगे। एक बेडरूम मैंने आपको दिखाया, ड्राइंग आपको दिखा चुका हूँ, डाइनिंग आपको दिखा चुका हूँ। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये इसका सेकंड बेडरूम आ जाता है, देखिए कुछ इस तरीके से स्पेसियस सेकंड बेडरूम आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। बेडरूम साइजेस काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी साइजेस यहाँ पे आपको रख के दी गई है। और बात करें यहाँ पे, देखिए फॉल सीलिंग के डिज़ाइन, ये भी काफ़ी खूबसूरत फॉल सीलिंग के डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिल जाती है। और देखिए टीवी पैनल का स्पेस कुछ इस तरीके से, शानदार सा वॉलपेपर का वर्क, नीचे की तरफ भी यहाँ पे जगह दी गई है, दोनों तरफ आपको विंडो का प्रोविजन मिल जाता है। और इस तरफ देखते हैं तो फुली कबर्ड्स का स्पेस, जो कि पूरी हाइट तक कबर्ड्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। 6x6 का बेड लगने के बाद भी आप देखेंगे काफ़ी अच्छा स्पेस है, पीछे की तरफ काफ़ी अच्छा लोअर्स का काम किया गया है, लैंप्स लगा के काफ़ी अच्छी खूबसूरती इसको बढ़ाई गई है। इसमें भी आपको अगेन मिल जाता है अटैच एक वॉशरूम। देखिए वॉशरूम साइजेस काफ़ी प्यारी है, यहाँ पे भी वॉल माउंट सीट के साथ वेस्टर्न सीट है, वॉल माउंट के साथ वेस्टर्न सीट आपको मिल जाती है। सेरा जैसी कंपनी की फिटिंग्स आपको जैसे यहाँ पे दी गई है, और फुली वेंटिलेटेड वॉशरूम, सनलाइट प्रॉपर आपको यहाँ पे वॉशरूम्स में मिलने वाली है। तो ये देखिए हमने दो बेडरूम देख चुके हैं, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड बेडरूम देखते हैं। देखिए व्यू काफ़ी अच्छा है, एक मतलब बड़े कोठी बड़े बंगले से भी बड़ा आपको एक फ्लैट मिल जाता है। 1900 स्क्वायर फीट का शानदार सा अपार्टमेंट ये आपको मैन अजमेर रोड पे मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए कॉमन वॉशरूम, कुछ इस तरीके से कॉमन वॉशरूम आपको यहाँ पे बना के दिया गया है। एक बेडरूम आपको यहाँ मिल जाता है। बेडरूम साइजेस तो आप देखिए काफ़ी अच्छी बेडरूम साइजेस है, इसमें भी 6x6 का बेड और शानदार से बेडरूम डिज़ाइन, इस तरफ पूरा फुल कबर्ड्स का स्पेस, और अगेन आपको फॉल सीलिंग की डिज़ाइन मिल जाती है। ये आ जाता है टीवी यूनिट का स्पेस, और इसमें अगेन आपको इस तरफ बालकनी का स्पेस दिया गया है। दोनों रूमों से ये भी अटैच है, आगे की तरफ दो रूम है, पीछे की तरफ दो रूम है, बीच में डाइनिंग और ड्राइंग एरिया का स्पेस है। इस तरफ से आपको मिल जाता है, देखिए ये इस रूम का स्पेस काफ़ी अच्छा स्पेस का भी निकाला गया है। बेडरूम बड़ी बड़ी साइज़ के आप जैसे देख पा रहे हो, बेड लगने के बाद में देखिए उस तरफ कितना अच्छा स्पेस है, ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग के डिज़ाइन, सीनरी वगैरह प्यारी प्यारी सीनरी और लैंप्स वगैरह के डिज़ाइन भी आप जैसे देख पा रहे होंगे। अगेन इस रूम से भी आपको यहाँ पे एक्सेस ये बालकनी का मिलने वाला है। तो फ्रेंड जैसे मैंने दिखाया, ये एज इट इज अगर आप लेना चाहते हैं, कंप्लीट 1900 स्क्वायर फीट का फ्लैट है मेन अजमेर रोड पे, 77.50 लाख रुपए में आपको एज इट इज ये मिलने वाला है, जैसा आप देख पा रहे हैं वैसे का वैसा। यहाँ पे 3 BHK भी है, उसकी जानकारी आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे फोन करके ले सकते हैं, वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अगर चैनल पे नए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आपके कोई मित्र या फैमिली मेंबर्स में कोई देख रहे हैं ऐसा शानदार सा अपार्टमेंट, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आप उनकी मदद कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी मदद भी कर सकते हैं ऐसे शानदार प्रॉपर्टी की वीडियो देखने के लिए। लगातार हम लोग ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के प्रॉपर्टीज की वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो आज जैसे मैंने दिखाया, और 3 बेडरूम की मैं अगर बात करूँ साइजेस की, तो 3 बेडरूम की साइजेस आपको यहाँ पे मिल जाती है 1537 स्क्वायर फीट के अंदर, और 4 बेडरूम जैसे मैंने बताया 1902 स्क्वायर फीट के अंदर आपको ये मिल जाता है। 3 वॉशरूम 4 बेडरूम आपको मिल जाता है, बालकनी बड़ी बड़ी बालकनी आपको जैसे मैंने आपको यहाँ बताई वो सब मिल जाती है। तो आप फोन कीजिए, एक बार विजिट जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी शानदार प्रॉपर्टी मिस ना करें आप। इसके लिए आप एक बार विजिट जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रॉपर्टी बनाई गई है, डिजाइनिंग बहुत शानदार इसकी करी गई है। तो आज और अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।